यहाँ पे मैंने एक फ्रूट है वो काट के रखा है और उसके ऊपर मैंने घर में पिसा हुआ नमक और काला नमक छिड़क दिया है। उसके बाद ऊपर मैंने स्टिक लगा दिए कि जो खाने में आसानी से खा सकें। और यहाँ पे ये है फ्रूट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी ब्लॉगर में। दोस्तों कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं ये फ्रूट काट रही हूँ। ये है खरबूजा और मैं इसको पहले छिलर से काटने वाली थी, लेकिन छिलर से छिल रही थी लेकिन नहीं छिला गया ये छिलर से। और अब मैं इसको बीचों बीच से चाकू से काटूंगी। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल का बटन भी ज़रूर दबाना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये दो हिस्से में बांट दिया था, फिर उसके बाद मैंने इसके पीस बना दिए थे और जो इसके अंदर का जो गुदा होता है, बीज होता है, वो मैंने उसको मैं निकाल रही हूँ और इसको निकाल के मैं अलग कर दूँगी। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों को आजकल अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा, अपने शरीर का और अपने परिवार वालों के शरीर का ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बीच में हम लोगों को फ्रूट वगैरह बहुत ज़रूरी लेने पड़ेंगे, हेल्थी ड्रिंक लेना पड़ेगा। तो ये जो तरबूज था एक दिन पहले ला गए थे, मैंने इसको अच्छे से धो के और अलग रख दिया था। उसके बाद मैं अगले दिन काट रही हूँ इसको। और दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि आजकल कहीं भी कुछ भी अच्छी खबर नहीं आ रही है, इसलिए हम सभी को ज़रूरत है कि अपने घर में अपनों का और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। तो उसके लिए हमें अपने शरीर के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी पौष्टिक चीज़ें डालनी चाहिए ताकि हम सब लोग इस गंभीर अवस्था में जो अभी जो ये कोरोना काल चल रहा है इससे बाहर निकल पाएँ। यहाँ पर मैंने सारे फ्रूट काट दिए थे, उसके ऊपर मैंने काला नमक और मैंने घर में पीस रखा है जो नमक वो छिड़क दिया है। नमक आपकी अपनी इच्छा है, डालें या ना डालें। तो हम लोग नमक डाल के ही खरबूजे को खाएंगे, तभी इसमें थोड़ा स्वाद आता है, क्योंकि ये ज़्यादा मीठा भी नहीं होता है। आज की वीडियो इतनी होगी। बाय।